हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि अगर आपका कीबोर्ड का कोई भी की अगर खराब हो गया है तो उसका अल्टरनेटिव की में उसका काम कैसे कर सकते हैं आप, वो मैं बताने जा रहा हूं। सपोज के लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए थोड़ा, यहाँ में आपको दिखा देने से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ में डेल बटन है। अगर मेरा आपका अगर कीबोर्ड का डिलीट बटन खराब हो गया है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर आप 1 दबा देंगे तो डिलीट का काम करेगा। तो उसके लिए और एक काम, आप कंट्रोल सी दबा के आप कॉपी करते हैं। अगर सपोज मेरा कंट्रोल बटन खराब हो गया है या फिर सी बटन खराब हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि शिफ्ट प्लस डी दबाने से कॉपी हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मैं जब मैं भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक के बिना मत जाना। और एक चीज, आप वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और पावर टॉयज सर्च कीजिए क्रोम में, फिर पहला वाला लिंक क्लिक कीजिए। मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इंस्टॉल पावर टॉयज लेफ्ट में जो है उसको आप एक बार दबा दीजिए, फिर इंस्टॉल पावर टॉयज में आ जाइए, इसमें आप क्लिक कर लीजिए तो एक गिटहब का पेज निकल जाएगा। तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा और जो है पावर टॉयज सेटअप exe फाइल जो 59.7 MB का है उसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए पहले। तो मैं अभी डाउनलोड करने वाला हूँ, तो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा रुकिए, डाउनलोड होने होते वक्त थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इससे आप सब कुछ काम कर सकते हैं, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है? अगर आप स्किप करेंगे तो आप प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे और बाद में आप कर नहीं पाएंगे, मतलब प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिए। और डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है देख के, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज बताइए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो होने ही वाला है, 50% हो चुका है। थोड़ा सा रुके, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, पूरा लाइव दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? मैं ये फाइल मतलब ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये गिटहब का पेज है और गिटहब आप जानते ही है कि बहुत अच्छा वेब पेज है गिटहब। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ में मिल जाता है, आप सर्च करते रहिए और आपको पता चलता रहेगा। तो अभी होने ही वाला है, सिर्फ 10 MB बचा है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो चुका है, 90% हो चुका है, हो ही गया। तो इसे होने के बाद हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी क्रोम का काम हो चुका है, मैं क्रोम काट रहा हूँ। अभी ये हो चुका है डाउनलोड, तो हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे इसे, फिर हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है? हो ही चुका है, तो ओपन फोल्डर में क्लिक कर लेते हैं। इसे मैं सॉफ्टवेयर फोल्डर में ले जाता हूं पहले, ठीक है? इसमें पेस्ट कर लिया,
मैं इसको अभी इंस्टॉल करूंगा। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये देखते रहिए, इनिशियलाइजिंग हो रहा है। अब वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर मतलब बता रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए वीडियो को। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप प्रोसेस को मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम लोग ओपन करेंगे पावर टॉयज। ठीक है, तो ओपन हो चुका है ये। तो पहले जो आपको काम करना है वो है, सेटिंग्स में क्लिक कीजिए, फिर चेक फॉर अपडेट्स को ऑन करके रखिए। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर से मतलब रिस्टार्ट कर दीजिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रनेज एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा अभी। ठीक है, तो ये हो गया है, और ऑलवेज रनेज एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप कीबोर्ड मैनेजर में आ जाइए, उसके बाद आप कीबोर्ड में आ जाइए, फिर रिमैप की में क्लिक कीजिए। अगर आप किसी एक की को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, और रिमैप शॉर्टकट में आप दो की या तीन की जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल सी या पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, वो सब। पहले मैं रिमैप की को दिखा देता हूँ। तो रिमैप की को आप फिजिकल की में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि किसी आप कर सकते करना चाहते हैं। तो मैं पहले वन टाइप कर देता हूँ, फिर मैं इसमें जो मैप टू है उसमें हम डिलीट में क्लिक डिलीट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, और डिलीट बटन कहाँ है, ये डिलीट बटन मैं दबा रहा हूँ लेकिन ये रहा डिलीट। ठीक है, फिर ओके में क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू एनीवे, फिर रिमेव शॉर्टकट शॉर्टकट को हम लोग रिमेव करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल शॉर्टकट में शिफ्ट, पहले शिफ्ट ढूंढ लेता हूँ, एस, और ये रहा शिफ्ट, कहाँ गया शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, रुकिए, शिफ्ट कहाँ है, शिफ्ट मुझे नहीं मिल रहा है, ये रहा शिफ्ट, फिर शिफ्ट डी, इसमें डी। ठीक है, और टाइप इसमें हम लोग कंट्रोल सी कर देंगे, तो कॉपी या नहीं पेस्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी हम लोग चूज करते हैं, कंट्रोल वी, तभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इसको भी हम लोग ओके कर देंगे, अभी ये हो गया है। अभी वन डिलीट है, और शिफ्ट डी अभी क्या बोलते हैं इसको पेस्ट का काम करेगा। तो अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम लोग ऑन कर लेते हैं। अभी देखते रहिए। हाँ, तो मैं कोई भी एक इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं पावर टॉयज को। ठीक है, अभी इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, अभी हम लोग यहाँ में अभी हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शिफ्ट डी पेस्ट किया, ये पेस्ट हो चुका है। देखिए, फिर इसको हम लोग डिलीट करेंगे वन दबा के। देखिए, ये देखिए डिलीट हो चुका है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू।